वो कहते हैं ना, जिसके हौसले बुलंद हो उन्हें कोई नहीं हरा सकता, मौत भी नहीं। दरअसल इतिहास में ऐसी बहुत सी घटनाएं हुई हैं जिसमें जिंदा बचे लोगों को जिंदा रहने के लिए बहुत ही विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ा है। ऐसा ही एक हादसा 1972 में इंडीज के बर्फीले पहाड़ों में हुआ था, जिसमें जिंदा बचे लोगों को उन बर्फीले पहाड़ों में बिना भोजन के 72 दिनों तक रहना पड़ा था। अपने घायल साथियों को अपनी आंखों के सामने मरते देखना पड़ा था। यहाँ तक कि जिंदा रहने के लिए अपने ही साथियों के लाशों को भी खाना पड़ा था। यह दर्दनाक हादसा हुआ था 13 अक्टूबर 1972 को, और इसका शिकार हुई थी उरुग्वे के ओल्ड क्रिश्चियन क्लब की रग्बी टीम। टीम चिली के सैंटियागो में मैच खेलने जा रही थी। उरुग्वे एयरफोर्स का प्लेन टीम के खिलाड़ियों व अधिकारियों के साथ उनके परिवार व मित्रों को लेकर इंडीज पर्वत के ऊपर से गुजर रहा था। प्लेन में कुल 45 लोग सवार थे। उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही मौसम खराब होने लगा था। इंडीज के सफेद बर्फीले पहाड़ों में पायलट को कुछ नजर नहीं आ रहा था। मौसम खराब था और पायलट को संभावित खतरा नजर आने लगा था। करीब 14,000 फीट ऊंचाई पर पायलट अपनी पोजीशन मिसजज कर गया और एक ही पल में एयरक्राफ्ट इंडीज पर्वत की एक चोटी से टकरा गया। जो एयरक्राफ्ट कुछ देर पहले हवा से बातें कर रहा था, दूसरे ही पल धूं धूं करके जलते हुए इंडीज पर्वत में गुम हो गया। यह भयावह हादसे में 18 लोगों की मौत हुई, बाकी 27 लोग जैसे तैसे बच तो गए, लेकिन इंडीज की हार्ट कपकपा देने वाली बर्फ के बीच जिंदगी उनके लिए मौत से भी बदतर साबित हो रही थी। न खाने को कुछ और न दूर दूर तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिख रहा था। हादसे की जानकारी मिलते ही उरुग्वे की सरकार सक्रियता दिखाई और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया, लेकिन प्लेन का रंग सफेद होने के कारण बर्फ से ढके सफेद इंडीज पर उसे ढूंढना घास के ढेर के सुई ढूंढने के बराबर था। लगातार 10 दिनों तक असफलता हाथ लगने पर 11वें दिन रेस्क्यू ऑपरेशन बंद कर दिया गया, क्योंकि सबका मानना था कि इंडीज के विषम मौसम में बिना खाना पानी के किसी का भी इतने दिनों तक जिंदा रहना मुमकिन नहीं है। उधर दूसरी तरफ बचे हुए 27 लोगों में से कुछ घायल लोग और मर गए। बाकी बचे लोगों ने अपने पास उपलब्ध भोजन को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया ताकि वे ज्यादा दिन तक चल सकें। पानी की कमी को दूर करने के लिए उन्होंने प्लेन में से एक ऐसे मेटल के टुकड़े को निकाला जो धूप में जल्दी गर्म हो सके, फिर उस बर्फ पर रख कर उसे पिघला कर पानी इकट्ठा करने लगे। इससे उनकी पानी की समस्या तो बिल्कुल हल हो गई, पर कुछ ही दिनों में भोजन समाप्त हो गया। जब अंत में कोई रास्ता नहीं दिखा तो इन लोगों ने अपने साथियों की लाश के टुकड़े कर ही खाना शुरू कर दिया। एक झटके में आई मौत से बचे ये लोग अब असहनीय अंत की ओर बढ़ रहे थे। केवल 16 लोग ही अब जीवित बचे थे। हादसे के 60 दिन बीत चुके थे, मदद की कोई उम्मीद दिखाई नहीं दी, तो इस बदनसीबों में शामिल दो खिलाड़ियों नैंडो पेरेडो और रॉबर्ट रे कोंटे ने सोचा कि यहाँ पड़े पड़े मरने से अच्छा है कि मदद की तलाश में निकला जाए। हालांकि यह बहुत मुश्किल काम था, 60 दिनों के अंदर दोनों का शरीर कमजोर हो चुका था। बर्फ पर ट्रेकिंग करने के लिए उनके पास पर्याप्त साधन नहीं थे, लेकिन दोनों खिलाड़ी थे और खिलाड़ियों के अंदर अंत तक हार नहीं मानने का जज्बा होता है। यही जज्बा उन दोनों खिलाड़ियों के काम आया और उन्होंने उन्हें विपरीत परिस्थितियों में मदद की खोज के लिए ट्रेकिंग करना शुरू कर दिया। पेरेडो और कोनेफा ने गजब का साहस दिखाते हुए 12 दिनों तक ट्रेकिंग की। अंत तक हार न मानने का एक खिलाड़ी वाला जज्बा दोनों में काम आया और आखिर दोनों इंडीज पर्वत को हराते हुए चिली के आबादी वाले क्षेत्र तक पहुंच गए, जहां दोनों ने रेस्क्यू टीम को अपने साथियों की लोकेशन बताई। इस तरह इन दोनों खिलाड़ियों ने दो जिंदगी के जंग जीत ही ली थी, साथ ही अपने साथियों के लिए भी ये वरदान साबित हुए। पेरेडो ने इस पूरे हादसे और अपने संघर्ष को एक किताब की शक्ल भी दी है। इस भयावह घटना पर पियर्स पॉल रीड ने 1974 में एक किताब एलाइव लिखी थी, जिस पर 1993 में निर्देशक फ्रैंक मार्शल ने फिल्म भी बनाई थी। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।